तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सनी देओल साहब हनुमान का रोल करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे, और इस बात का खुलासा मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। देखो भाई, बात करते हैं रामायणा मूवी की अगली अपडेट की तरफ। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर 20 मिनट पहले आई है रामायणा मूवी को लेके, और रामायणा मूवी दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल में फंस चुकी है, और अब मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं मूवी आएगी भी या नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब हुआ क्या है, सारा मामला मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मंटेना साहब ने मूवी के राइट्स पे यानी कि कॉपीराइट मार दिया है, यानी कि उनका कहना यह है कि इस मूवी के राइट मेरे पास थे, मतलब रामायणा मूवी के कॉपीराइट भी चलेंगे भाई अब, और रामायणा के ऊपर भी अब कोई कॉपीराइट मार सकता है। हमने तो सुना था कि भाई वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी आंख बंद करके बना ले तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब यार, भगवान की चीज़ों में भी अब कॉपीराइट लगेगा तो आदमी और क्या सोचेगा और क्या ही होगा। फिलहाल जो भी है, सीरियल आप देखो जाके, सीरियल में इतने यार बने, क्या उन पे भी कॉपीराइट लगा होगा? समझ में नहीं आता यार, कैसे कैसे लोग पड़े हैं और क्या क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, और ऐसा होने कैसे दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है गलत है। बात करते हैं मंटेना साहब। देखो भाई, नितेश तिवारी और मंटेना साहब ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे साउथ में सोच रहे थे मूवी बनाने की, और कहीं ना कहीं ये लोग सफल भी होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से ये न्यूज़ और ये चीज़ वहीं के वहीं रुक गई। लेकिन नितेश तिवारी नहीं रुके, नितेश तिवारी ने सोचा कि भाई हमें, मुझे इस काम करना बहुत ज़रूरी है और मैं काम करूँगा, तो बॉलीवुड की तरफ रुख करा, और यहाँ पर उन्होंने रणबीर कपूर को इन सबको कास्ट करा और मूवी यहाँ पे बनानी शुरू कर दी। ले दे के जो भाई प्रोड्यूसर थे वो यहाँ पे यश हैं, और मूवी के एक दो और स्पॉन्सर उन्होंने जोड़े होंगे। अब यहाँ पे मंटेना साहब का एक तगड़ा मोटिव आता है कि भाई मैं इस मूवी के ऊपर एक कॉपीराइट लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रामायणा के राइट्स हैं, और ये क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ये प्रॉपर तरीके से रामायणा ही बना रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आदि पुरुष जो बनी थी, आदि पुरुष वालों का ये कहना है कि ये एक तरीके से इसका एक इंस्पायर्ड कॉपी है। आदि पुरुष जो मूवी थी प्रभास की, वो थी तो रामायणा पे बेस, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसको बनाया वो एक तरीके से समझ लो एक इंस्पायर्ड मूवी थी, यानी कि चीज़ों को चेंज कर देना जो इन्होंने, मतलब एक्चुअली में इन्होंने उस चीज़ का नाम नहीं रखा रामायणा, वरना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर भी कॉपीराइट हो जाता। लेकिन नितेश तिवारी की ये जो है ये प्रॉपर रामायणा ही है, और ये बन ही रामायण पे रही है, इन्होंने पहले से ही घोषित कर दिया, और इसी वजह से इस पर कॉपीराइट लगा है। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बताने आया हूँ, 20 मिनट पहले जो अपडेट आई है रामायणा मूवी से, आपको पता होगा इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और इसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर की थी, यानी कि 2025 की इसकी रिलीज डेट पार्ट वन की। अब पता है इस मूवी का पार्ट वन रिलीज कब का बन रहा है, और नितेश तिवारी ने क्या यहाँ पे रिवील किया? मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग हिल जाएगा, और आप लोग जरा संभल के बैठना, क्योंकि आपके नीचे जो है ना अब भूचाल और दलदला आने वाला है। 2027 अक्टूबर, 3 साल के बाद, यानी कि अब ये मूवी आप लोग 3 साल के बाद देख सकोगे 2027 में। 2025 तो छोड़ो, 26 से खाली करके सीधा 27 में ये लोग ले गए। अब देखो, कुछ ना कुछ बड़ा इशू ज़रूर हुआ है। अब 27 में इनको लेके जाना, इसका मतलब ये है कि मूवी को लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, जो कि न्यूज़ सामने नहीं आ रही है, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। शूटिंग पूरे तरीके से कैंसिल हो चुकी है, और लगभग लगभग जिस तरीके से इस फिल्म को बताया जा रहा था कि भाई अगले साल आएगी, उसका मतलब यह है कि अब इसकी शूटिंग भी, मुझे नहीं लगता कि भाई इसकी शूटिंग अब शुरू भी होगी या फिर एक दो सीन दोबारा से लगने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। शूटिंग बंद हो चुकी है, अब इस मूवी को दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट वोट केसेस चलेगा, तो इस केस को निमटने में टाइम ज़रूर लगेगा। तो इस वजह से मंटेना साहब ने भाई, मुझे लग रहा है कि बड़ा यहाँ पे कांड कर दिया, और जब तक ये केस चलेगा जब तक इस मूवी की शूटिंग भी नहीं हो सकती। अब ले दे के जो भी है, या तो मान नहीं रहोगे भाई मंटेना साहब, पैसे वैसे की बात चल रही होगी, उन्होंने मना कर दिया हो भाई मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये प्रोजेक्ट, अगर मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ता हूँ तो मैं एक अच्छा खासा बजट मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही ऐसा, पब्लिक यहाँ पे इस सब्जेक्ट को देखना चाहेगी, तो यहाँ पर अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो आप लोगों को 100 रुपये का मुनाफा होने वाला है। मतलब पब्लिक के दिलों में ये सब्जेक्ट जो है भाई छाया पड़ा है, इसीलिए ये चीज़ ये बात चल रही होगी, क्योंकि भाई तुम पैसे वैसे ले लो, नहीं भाई पैसे नहीं लूँगा, मुझे इसमें पैसा लगाना है और मैं ही बनाऊँगा, ये बात चल रही होगी। आप केस चला गया हो कोर्ट में कुछ इस तरीके का, क्योंकि देखो मैं अभी यहाँ पर पूरी तरीके से अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं खुद लगा हुआ हूँ कि अंदर की क्या बात है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब यहाँ पर इसका जो बजट है, इसका बजट भी देखो एकदम से बढ़ गया। अभी हमने सुना था कि 600 करोड़ रुपए इसका बजट होने वाला, लेकिन अभी इसका जो बजट है
850 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ये कैसे हुआ? और अभी तक बॉलीवुड का सबसे बड़ा बजट दोस्तों यही होने वाला है। अब ये चीज़ दोस्तों सामने नहीं आ रही, अचानक से इसका बजट इतना बढ़ जाना और मूवी का रिलीज डेट 2027 में अक्टूबर में चला जाना, इस चीज़ में दोस्तों मैं लगा हुआ हूँ। मैं पता ज़रूर करूँगा कि ये हुआ क्या है, और जैसे ही मुझे न्यूज़ मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि शूटिंग बंद हो चुकी है, और इसी वजह से अब जो सनी देओल साहब हैं वो भी अब मुझे नहीं लगता कि इस मूवी से अभी कोई जुड़ पाएंगे, या फिर वो अभी हनुमान का रोल प्ले कर पाएंगे या फिर शूट कर पाएंगे, अभी तो नहीं हो सकता। वो हो सकता है 2026 के लास्ट में इसकी शूटिंग दोबारा से शुरू हो। ले दे के जो एक रिलीज़ डेट मिली है वो 2027 की मिली है, अक्टूबर की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1.25 साल इस मूवी में विवाद चलेगा। कुछ ना कुछ बातें हुई हैं जो कि यहाँ पर धीरे धीरे खुल के बात सामने ज़रूर आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।